अस्सलाम वालेकुम टू ऑल किंग ऑफ जानकार फैंस। लें जी, हम आ गए अपने चांद भाई के शहर के पास, तो आपको दिखाते चलते हैं ज़रा। फिर जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ की भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, वहाँ का भी आपको माहौल दिखाएंगे। वहाँ जो हमारा गोदाम है, उस गोदाम में जो हमारी कलेक्शन पड़ी हुई हैं वो भी आपको दिखाएंगे सारी, और वो मैं लेकर आऊँगा अपने साथ, अपने स्टूडियो में रखेंगे हम, उसकी भी आपको पार्ट्स के अंदर कलेक्शन सारी दिखाई जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप इंजॉय करें हमारे साथ सफ़र को, दिखाएंगे हम आपको सारा कुछ। हाँ जी उस्ताद जी, थोड़ा आगे आए ना, भूख लग रही है, भूख का मुकम्मल इंतजाम है। भूख का मुकम्मल इंतजाम सर चांद भट्ट ने करके रखा हुआ है। वो जो खाना वहाँ पे तैयार हुआ हुआ वो किसने खाना है? नहीं सर, वो हम वहाँ पे खाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीना, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं जी हम आज सफ़र को। मेरे दोस्त कज़न मेरे साथ हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है सफ़र का। हंसी मजाक में हम पहुँच आए हैं गुजरात के करीब, तो आपको दिखाते चलेंगे साथ साथ सारी चीज़ें, देखते रहिएगा, इंजॉय करें हमारे साथ साथ आप भी। और कौन कौन भाई इस इलाके शहर से हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ अफर है नहीं ना यार, चुप चुप रहा, कुछ बोलना कादर बोलेगा फिर जब काम हो गया। खावर नू क्यों इतनी सर्दी लग रही, एसी बंद कर दें? खावर भैया का भी चैनल है यूट्यूब पे, है ना? ये हमारे भाई भूख से निडाल हुए हैं, इनका हालांकि रोजा भी नहीं है लेकिन फिर भी ये ऐसे हुए हैं जैसे इन्होंने पूरे महीने के एक दिन में रोजा रख लिया। आज हमारा तो रोजा है, सो हमने इनको भी भूखा मारा अपने साथ। कोई नहीं, बस आधे घंटे का सफर है, ज्यादा नहीं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात करवाएंगे चांद भट्ट साहब की, दिखाएंगे हम आपको वहां का माहौल भी सारा। हैप्पी बर्थडे टू यू। उस्ताद जफर ने भूख लगी हुई, हैप्पी बर्थडे हुई पी होती भाई के भूख से बहुत बुरा हाल हुआ भाई इस टाइम जनाब। ये हमारे आसफ लाली साहब, हमारे दोस्त भाई ड्राइवर, काफी मंजे हुए ड्राइवर है। होटल में जाना है हमने, ड्रिंक होटल में। एक बारी हम गए थे, चावल खाए थे नाजरीन, ये तो उसके ड्रिंक होटल में जाना है, गट्टा था नाजरीन। बहुत बहुत बड़ी प्लेटें थी, अब ये प्लेट तो खा दिया तो थाटे मैंने साहब के पता है ना, तू आके छड्डी ना, थोड़ा ऊंचा करके बोल ना, ता नाजरीन को आवाज आनी चाहिए। और चलनी बड़ी कम हो गई मेरी, नहीं अले है अपना 30 सेकंड रह रहे, 5 मिनट की बना के फिर बंद करा ना। काफी भाई यार भी कोई देन है यार, कोई भी ना रोजा ही खावा। सारा रोजा थोड़ा लगा, मेरा भी तो रोजा, मैं तो फ्रेश नहीं पता है। मैं साढ़े दस ग्यारह बजे उठा, मैं हार्ड डिस्क के चो डाटा शटर सारा कॉपी भी था।
सारे काम लपेट ले। मान नाल मैं इतने बजे उठा, मैं 2-3 घंटे सुता, 7 बजे सुता। चमचा सी नाल लेके आया, 2-3 घंटे सुता बस। चमचा चमचा कर वो हार्ड डिस्क की जरा थी, डाटा लगाया कॉपी करना, वो डाटा कॉपी हुआ है कोई नहीं, बिजली चली गई सुबह की दिन। मेरी अख खुली 10 बजे, मैं देखा सिस्टम बंद, मैं कंप्यूटर क्या बंद, 11 बजे गई है लाइट बस। वो जिस टाइम उठा मैं फिर दोबारा दोबारा सारा डाटा कॉपी लगाया। अच्छा जी ये कौन, ये केड़ा शहर आ गया जी? स्वाबी है, स्वाबी स्वाबी है, स्वाबी तो पेशावर वाले साइड से है। मैं लग रहा हो ना अपना गुजरात तो है पीछे एक मंगोवाल, इतने साड़ी गड्डी बंद हुई है पता ही, ये मंगोवाल ना हो नो पीछे हो या बंद हो नहीं इथे ही हो या नहीं यार मैं तो नहीं जानता। ये नाज़रीन मंगोवाल शहर है, मैं लग रहा है भाई पीछे जामपरिया है तो बड़े उथे हो या टाली दे कोल उस गड्डी वैसी बड़ी लांदी है उस गड्डी ओ जड़ी अपना सुजुकी हरे रंग दे ओ हिम्माता साड़ी जे सलाह ले आए। ये मैं मंगोवाल शहर लग रहा है यार अपना है ना। चलो देखते हैं जी केड़ा शहर है। कोयटा टी स्टॉल, वाह। नाज़रीन क्या खाना पसंद करेंगे? जो नसीबा में है वही खाना है। अच्छा जी मायर अल बुक बहुत ज्यादा लगी था अमानत किंग जनकार के पास भी जाना है यार, रहने दो से, वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है फिल्म है वो फिल्म। आलू और लंबा छोरा खाएंगे बड़ी भूख लग रही थी, क्यों चोते हां दो दित्तो सी दार से कड़ू कड़ू सही है बेटा कड़ू नमाज भी आख्या कड़ू आता मैं वेला ने नहीं आया ना सही कड़ू आंदा ना कड़ू मैं उसके पास छोड़ देना था, आप हम मुक्का चले जाते कड़ू आप तक अपना रहता। चले नाज़रीन अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपके साथ, आप नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करेंगे। ओके जी अल्लाह हाफिज़।